थैंक्सगिविंग डे किया था सो मैंने अपनी वुडपी को बोला यार मुझे ना आप रोजेस लाके दो क्योंकि आज थैंक्सगिविंग डे है. सो शाम तक मेरे घर पे डिलीवरी हुई एंड उसमें मेरे पास पांच चीज़ें आई. नाउ पांच ऐसी कौन सी चीज़ें मेरे पास रिसीव हुई, तुलसी का पौधा, इंसुलिन का पौधा, वीट ग्रास का पौधा, अजवाइन का पौधा एंड लेमन ग्रास का पौधा. नमस्ते, हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड मैं हूँ सुमन. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स की जो आपके घर पे डेफिनेटली होने चाहिए अगर आप फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप एक नेचुरल फॉर्म से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं. बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसी चीज़ें आ गई हैं और हर किसी के घर में कुछ सप्लीमेंट्स हम देखने को मिलते हैं, विटामिन D3 के, B12 के, आयरन के, एसिडिटी की दवाइयाँ, आपके अथराइटिस की दवाइयाँ, आपके शुगर की दवाइयाँ, थायराइड की दवाइयाँ, BP की दवाइयाँ एंड उसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे मल्टीविटामिन्स लेते हैं. अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप वेट लॉस करना चाहते हैं सो एक बेसिक स्टेप कहते हैं ना कि शुरुआत कहाँ से होती है वेट लॉस की, फिटनेस की शुरुआत कहाँ से होती है, फिट रहने की शुरुआत कहाँ से होती है, आपके बैल्कनी से. नींद पूरी करना, टाइम पे खाना खाना, पानी का इंटेक अच्छा होना, ये एक सेकेंडरी बात है. पहले आप अपना माइंड सेट करोगे कि आपको फिटनेस में रहना, आपको बहुत अच्छे से हेल्थ कॉन्शियस होना है और आपको वेट लॉस करना है. नाउ वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मार्केट में मिलती है, स्पेशली पिल्स के फॉर्म में, पाउडर्स के फॉर्म में, प्रोटीन पाउडर्स के फॉर्म में, सप्लीमेंट्स के फॉर्म में, बट अगर आप जानते हैं आपको नेचर ने, आयुर्वेदा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि आप घर से बेसिक चीज़ों से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं. लोगों को कैल्शियम की बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती है और बहुत सारे चीज़ें ले आते हैं, कैल्शियम चूना से ही पूरा हो जाता है. विटामिन D3, B12, आयरन, फेरेटिन, बाल झड़ गया, 10 चीज़ें हो गई बॉडी में, जॉइंट में पेन है, 10 तरीके की दिक्कतें, हर चीज़ की दवाइयाँ लेते हो. पर अगर आप एक चीज़ अपने ध्यान में रखें, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आप अपनी डाइट में डेली बेसिस पे इंक्लूड करोगे, ट्रस्ट मी, वो आपका वेट लॉस तो करेंगे उसके साथ साथ आपकी स्किन, हेयर और आपकी जो मेजर डेफिशिएंसीज बॉडी अभी फेस कर रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और वैसे वैसे आपको और ज़्यादा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा. मेरी बैल्कनी में इस समय बतेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ. बट कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अगर आप अपनी घर की बैल्कनी में लगाते हो, अपनी डेली बेसिस पे डाइट में यूज़ करते हो और उसके बेनिफिट्स कैसे होंगे, सो आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे. सो सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं हम, कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ता आपके कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो सब्जियों में तड़का लगाने के बहुत अच्छे से काम आता है. रॉ भी हम उसको खाते हैं ताकि आपका स्टमक मॉर्निंग में उठ के अच्छे से क्लियर हो और अगर आपका शुगर लेवल बहुत हाई है तब भी कड़ी पत्ता आपको हेल्प करता है. सो कड़ी पत्ता तो आपके घर पे 3 से 4 प्लांट्स होने ही होने चाहिए. नंबर सेकेंड पौधा आता है हमारे पास लेमन ग्रास. लेमन ग्रास की जो टी है वो अगर आप नॉर्मल दूध वाली चाय भी पीते हो उसके अंदर अगर आप डाल के लेमन ग्रास की टी बनाएं, उसको अपनी डेली बेसिस की डाइट में ऐड करते हैं, आप लेमन ग्रास की बेसिक टी बनाते हैं जो कि मैं आए दिन अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, उससे आपका जो बेली फैट है वो बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है, आपके स्किन के एक्ने, पिगमेंटेशन, स्कार्स कम होते हैं और लेमन ग्रास से अगर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसीज है वो भी पूरी कवर करता है. और ट्रस्ट मी, लेमन ग्रास एक ऐसा आयुर्वेदिक चीज़ है जो कि आपके बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. नंबर 3 हम बात करते हैं तुलसी. तुलसी का जो प्लांट है, अगर आप एक तुलसी का पत्ता डेली बेसिस पे अपनी डाइट के अंदर डालो, अपने मुंह के अंदर डाल के च्यू करके खाओ मॉर्निंग में, आपको ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं हो सकता. इतने सारे कैंसर्स के केसेस हम देख रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, इतना अच्छा वो एंटी एजिंग का काम करता है तुलसी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी लोग रिंकल्स की दवाइयाँ लगाते रहते हैं, बहुत सारे लोशंस मलते रहते हैं, एक तुलसी का पत्ता अगर आप 10-15 साल लगातार उसको खा लोगे आप बहुत ज़्यादा यंग दिखोगे. आप एक साल भी कंटिन्यू उसको खाओगे ना, आपसे ज़्यादा यंग कोई नहीं दिखेगा और ट्रस्ट मी आपको कभी भी बीमारियाँ जो है वो छू भी नहीं सकेंगी. नेक्स्ट हम प्लांट की बात करते हैं, अजवाइन का पत्ता. जिन जिन लोगों को PCOD का मैसिव प्रॉब्लम रहता है, जिनको एसिडिटी, बर्बिंग, फार्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, 2 अजवाइन का पत्ता इन अ डे एंड यू विल बी लाइक सॉर्टेड. अपने लंच से पहले अगर आप 2 अजवाइन का पत्ता अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हो, ट्रस्ट मी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स से हट जाएंगे, PCOD, एक्ने, पिगमेंटेशन एंड उसके साथ साथ आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज, आपको फार्टिंग का बहुत प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम है, अजवाइन का पत्ता आपको फाइट करेगा इन सारी चीज़ों से. स्टमक के अल्सर्स तक पे वर्क करता है
एंड इट्स रियली अ गुड रेमेडी अगर आपको बहुत ज्यादा स्टमक रिलेटेड इश्यूज है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वीट ग्रास. नाउ वीट ग्रास बहुत ही सिंपल सी चीज है. मेरे घर में अभी मैंने डाला था, खत्म हो गया था, तो दोबारा उग रहा है. वीट ग्रास को तो मैं ग्रीन जूसेस में डालती हूँ अपने. नाउ वीट ग्रास का जो पाउडर है वो आपके इम्यून सिस्टम से बहुत अच्छा फाइट करता है, आपके वेट लॉस को सपोर्ट करता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को हेल्प करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है. जिन जिन लोगों का IBS का प्रॉब्लम रहता है, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम्स, उनके लिए वीट ग्रास एक अमृत का काम करता है. कुछ नहीं करना, जैसे कि आप लोग मुझे फॉलो कर ही रहे हो तो उसमें ग्रीन जूस में बहुत बार बताती हूँ, तो अपने ग्रीन जूस में जस्ट मुट्ठी भर वीट ग्रास डाल देना है, फ्रेश उगाकर, घर में उगाकर. एंड आप 3 से 4 दिन के अंदर देखोगे आपके स्टमक रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, आपके वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम दूर होगा, आपकी स्वेलिंग का प्रॉब्लम दूर होगा. एंड सबसे अच्छी चीज़, आपको बीमारियों से बचाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पुदीना. नाउ पुदीना मैंने बीच में अपने 75 डेज चैलेंज में दिखाया था. मैं पुदीना घर पे ही उगाती हूँ और उसके पत्ते तोड़ तोड़ कर सिलबट्टे पे हम लोग चटनी बनाते हैं. पुदीना बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिफ्रेशमेंट का काम करता है. इस पुदीना की टी भी बनती है. पुदीना की चटनी आपके टेस्ट बर्ड्स को बिल्कुल ठीक कर देती है. उसके साथ साथ पुदीना एक ऐसा एक प्लांट है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है. आपके बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं उन सबको बैलेंस करके चलता है. और उसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस में हो, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, अगर आप पुदीना की जस्ट एक चाय बना के लेमन ग्रास के साथ पी लो, इट विल लाइक गुड टू गो. आप बहुत अच्छे से फ्रेश हो जाओगे. उसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोवेरा का. नाउ एलोवेरा प्लांट इट्स लाइक अमेजिंग. एलोवेरा आपके सबसे बड़ी बात है, एलोवेरा जो काम करता है वो 3 तरीके से काम करता है, खाने का, आपके फेस पे लगाने का और आपके बालों पे लगाने का. ये तीनों तरीके से आपको हिट करता है. एलोवेरा इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर लेके चलता है, इतना स्ट्रॉन्ग फाइबर उसके जो एकदम चिपचिपा जो पदार्थ होता है वो आपके इम्यून सिस्टम और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक नेचुरल लेक्सेटिव का काम करता है. आपके इंटेस्टाइन जो है, बिग एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, थैंक यू बोलते हैं एलोवेरा जूस पीने के बाद, क्योंकि उसके बाद जो आपका स्टमक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. जिन जिन लोगों को फिशर पाइल्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं, जिनका स्टमक बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर नहीं होता सब चीज़ें लेने के बाद भी, अगर वो फ्रेश एलोवेरा का प्लांट निकाल के, जेल निकाल के, उसको वाटर में ब्लेंड करके पीते हैं, विद इन 15 to 20 minutes उनका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसुलिन के प्लांट की, शुगर रिलेटेड चीज़ें. जिन जिन लोगों से नीम का पत्ता नहीं खाया जाता, नीम का दातुन नहीं किया जाता, इंसुलिन का प्लांट अगर आप अपने घर पे लगाते हो, ट्रस्ट मी, एक इंसुलिन का पत्ता आपके जितने भी आपके शुगर रिलेटेड मेडिकेशंस चल रही हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा लैंटिस या इंसुलिन पे हो, अपनी बॉडी में टीके लगा रहे हो शुगर को कंट्रोल करने के, इंसुलिन का एक पत्ता सब चीज़ें सॉल्व कर देता है. मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. मैंने बहुत सारे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता एंड बहुत सारी ये पत्ते दिए थे रिधि को. रिधि का HbA1c था 10-11 और विद इन 35 to 40 days के अंदर मेरे ख्याल से डाइट में उनका HbA1c यहाँ से लेकर यहाँ पे आया, विच इज़ लाइक वो प्री डायबिटिक रेंज में आ गई हैं. शी इज़ ऑन अ मेडिकेशन, शी इज़ ऑन अ इंसुलिन. वो सब बंद करके भी सिर्फ और सिर्फ दिस पत्तों से, इन सारे घास फूस पत्तों से उनका इंसुलिन लेवल कंट्रोल हुआ, विच मीन्स उनका शुगर लेवल कंट्रोल हुआ है. ये सारे अगर प्लांट्स आप अपने घर पे लगाते हो डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके आप अपनी डाइट में ऐड करते हो, आपका ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी. आप बहुत अच्छी लाइफ जियोगे एंड बीमारियों से बच के रहोगे. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड मेक श्योर आप खुद जाओ क्यारी में, प्लांट्स खरीद के आओ, लगाओ और सब कैसा मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स भेजेंगे. हमने ये प्लांट्स अपने घर पर खुद से लगाए हैं, खुद जाके लगाओ. किसी को भेजो मैं ड्राइवर को या किसी को कि जाके मेरे प्लांट्स लेके आओ. आप खुद जाओ और जाकर लेकर आओ. सो दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून. टेक केयर जी, बाय बाय.